अब ये करनी है कि मैं हजाम का काम करता हूँ, यानी नाइयों का काम, में दाढ़ी मुंडना वगैरह भी शामिल है, और ये अक्सर पढ़ा जाता है कि ये काम हराम है, तो इसके छोड़ने के लिए क्या तरकीब बनाई जाए कि बाल बच्चों का गुजारा भी हो जाए और काम भी चलता रहे। जज़ाकअल्लाह खैरा। दाढ़ी मुंडने और एक मुट्ठी से घटाने की उजरत जो है ना, ये खबीस है, ये इस्तिलाह है, हराम मतलब है, तो इसलिए मतलब इससे तो बचना ही बचना है, तौबा भी करनी है, तौबा के तकाजे भी पूरे करने। और आप अपनी दुकान पर लगा दें हैं, बाज मदनी माहौल की बरकत से मदनी चैनल देखकर इस तरह की खबरें हैं कि वो बताते हैं हमने वो दाढ़ी मुंडना छोड़ दिया है। तो बाकी जो बाल बनाते हैं, जुल्फे बनाई, तो ये भी अच्छी बात है कि जुल्फे बनाए, अगर जुल्फे नहीं बनवाते लोग तो ठीक है, वो छोटे छोटे बाल रखवाते हैं, तो इसकी भी उजरत जायज है। तो आप लिखकर लगा दें कि यहाँ दाढ़ी मुंडने या एक मुट्ठी से कम करने का काम नहीं किया जाता, क्योंकि ये जायज नहीं है। इस तरह का जुमला आप लिखकर अपने बोर्ड लगा दें, गत्ते पे लिखकर, प्ले कार्ड पे लिखकर लगा दें, तो लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा मजाक मस्करी करेंगे आपसे। अगर आप जबान का कुफले मदीना लगाने वाले हुए तो कोई मसला नहीं होगा, हाँ आपने अगर बुड़बुड़ाना शुरू किया तो फिर हो सकता है कि तकलीफ हो आपको, बोलना कुछ नहीं है, वह लिख के लगा दे, कोई बोले तो इसको पढ़ा देंगे, मैं ये काम नहीं करता, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहता हूँ, अपने पेट में भी साफ सुथरी रोजी डालना चाहता हूँ। तो जो अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, खौफे खुदा वाले होते हैं, वो आपको शाबाश देंगे, आपके हौसला अफजाई करेंगे, और आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, भूखे नहीं मर जाएंगे, जिसने पैदा फरमाया है और जब तक उसने जिंदा रखना मुकद्दर किया है, वो खुद ही रोजी अता फरमाएगा अपने फजलो करम से। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अअलमु।